Hi guys, welcome and welcome back to my another new video. So this is a Friday video and it's going to be a makeup. I'm recreating this look. I attended my cousin's engagement and us time pe maine ye look carry kiya tha and bahut se logon ne mujhe compliment diya. So I think ki aapke saath ye look share kar sakun main. So jo hairstyle tha wo maine पार्लर से किया था एंड द मेकअप ऑल हैज डन बाय माई सेल्फ. तो हेयर स्टाइल को स्किप करते हुए हम डायरेक्टली मेकअप की तरफ बढ़ते हैं. आई एम यूजिंग दिस गुड बाय अर्गन ऑयल एज अ फेस सीरम एंड मॉइस्चराइजर एंड मसाज वेल. उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस बेबी लिप पाउच लिप बाम. After this, All Day Pro Prime का primer use करूँगी from SFR and उसे भी अच्छे से blend कर दूँगी. After that, I am using this Maybelline Foundation Super Stay 24 hours. अपने hand के पीछे लेने के बाद उसमें ये argan oil को mix कर दूँगी because this foundation is quite dry for my skin. And मेरी स्किन वैसे भी ड्राई है एंड विंटर इज गोइंग सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर एनी ड्राई अदर स्किन टाइप्स. सो आई एम यूजिंग दिस ऑन माई आई लेड एंड जस्ट ब्लेंडिंग विद द स्मॉल स्पॉन्ज. सेटिंग दैट आई एम यूजिंग दिस बे आई शेडो. इट्स वेरी न्यूट्रल एंड पाउडरी सो इट्स हेल्प फॉर सेटिंग एंड मैट. सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस हीना आई शेडो फॉर माई crease area, above my crease area as a transition shade. इसे थोड़ा deep करने के लिए मैं black eye shadow का भी use करूँगी same वही palette में से and blending that very well. बहुत अच्छे से blend करना है वो products को otherwise it's look so harsh and not with your look. So अच्छे से blend कर दिया है. Okay, now after that I am using that flat angular brush and just doing the cut crease the help of that same foundation and अच्छे से उसे कट कर दूंगी अपनी क्रीज को. ये थोड़ा केयरफुली करना है आपको. After that I am just setting that crease area that same eye shadow. बहुत ही न्यूट्रल है. So for my inner corner, जो क्रीज के इनर कॉर्नर में हम लाइट पिंक एकदम लाइट पिंक कलर का शेड यूज़ करेंगे. मैं तीन पिंक शेड का यूज़ करूँगी. मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी सबके फ़ोटोज़ एंड उसे अच्छे से डैप करना है और अच्छा पिगमेंटेशन आना चाहिए. उसके बाद रोज़ गोल्ड कलर है एंड आई एम यूजिंग दैट. अच्छे से डैप करना है उसे और अच्छे से ब्लेंड करना है. तीनों का से डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए. एट लास्ट आई एम यूजिंग दिस डार्क पिंक कलर. ये तीनों भी शिमरी शेड है एंड इट्स वेरी लुक वेरी गुड. ऐसे पेटल टाइप इफेक्ट आता है. सो जस्ट ब्लेंड इट एज वेल और अच्छे से डैप कर दीजिए. आपको पिगमेंटेशन अच्छा मिलेगा. सो सेम फॉर अनादर आईज. नाउ माई आई लाइनर आई एम यूजिंग द ब्लू हेवन आई लाइनर. आपको लोकल मार्केट पे ये कहीं पे भी मिल जाएगा. एंड जस्ट मेकिंग अ विंग लाइनर एज यू कैन सी. सेम फॉर अनदर आईज. तो माय फेस मेरा फाउंडेशन खत्म हो गया तो फिर से मैं पंप लूंगी एंड उसमें वो आर्गन ऑयल को मिक्स करके मेरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी. हेल्प ऑफ फिंगर और कबूकी ब्रश से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. आई एम टेकिंग क्वाइट मोर फॉर हैविंग इफेक्ट एज कंसीलिंग माई अंडर आई एरिया सम हाई पॉइंट्स. सो हाईलाइट होना चाहिए उससे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. इसमें मैंने अर्गन ऑयल मिक्स नहीं किया बिकॉज आई वॉन्ट द फुल करेज. कोई कंसीलर का यूज नहीं कर रही हूँ इसमें. सो फॉर कॉन्टोरिंग माई फेस आई एम यूजिंग दिस एन वाई बेस्ड स्टिक शेड कॉफी
एंड ब्लेंडिंग विद दैट स्मॉल स्पॉन्ज, उसके एरिया को भी कर दूंगी मैं कॉन्टोर, एंड फिर जो चिक एरिया को कॉन्टोर किया उससे मैं ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। आफ्टर आई एम दैट आई एम सेटिंग माई फेस, जो पाउडर वाला शेड है वो मैं हाईलाइट एरिया को सेट करूंगी और कॉन्टोर एरिया को उसके साइड वाले शेड से। इट्स अ वेट एंड वाइल्ड मेगा गो कॉन्टोर पैलेट। सो फॉर माय चिक आई एम यूजिंग दिस सिवाना कलर अल्ट्रा ब्लश पैलेट, विच आई एम टेकिंग द पिंकिश शेड टू ब्लश एंड हाईलाइटर सेम फ्रॉम दिस पैलेट। सो प्रिटी हाईलाइटर, इट्स कम विद दैट ओनली, एंड स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर दूंगी और ब्राउ बोन्स को भी। जो मेरा लोअर लाइन है उस पर मैं वो डार्क पिंक शिमर शेड को स्मॉल ब्रश से लेके सेट कर दूंगी, सो इट्स लुक लाइक अ कम्प्लीट आई शेडो। आफ्टर दैट मैं अपने वाटर लाइन में फील करने के लिए ये बेला वेट्स का वाइट काजल यूज कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट हैविंग द मस्कारा, इट्स फ्रॉम मेबलिन लास्ट सेंसेशन मस्कारा, सो कूल मस्कारा। एंड फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन एलिगेंस मैट लिप कलर, इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक इन शेड 05, एंड दैट्स इट, माई लुक इज कम्प्लीट। सो आई होप यू लाइक दिस माई रिक्रिएटिंग लुक एंड यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव थम्स अप, लीव कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विल मीट यू इन अनदर ट्यूजडे, टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर योर सेल्फ एंड आई विल मीट सून।